अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 12, मुस्लिम साइंटिस्ट फिलोसोफर एंड ट्रेवलर्स इन हिस्ट्री सेक्शन। एंड टुडे इज 24/7/2020, डे इज फ्राइडे। एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट फिलोसोफर्स। टुडे we'll read and explain the remaining portion. Our next mathematician is Al-Khwarizmi, died on 840. अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी जो है ईयर ऑफ बर्थ मौजूद नहीं है जबकि ईयर ऑफ डेथ मौजूद है, तो इन्होंने वही सिर्फ बताया हुआ था। मोहम्मद इब्ने मूसा अल-ख्वारिज़्मी वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन हु वॉज बॉर्न इन ख्वारिज़्म इन पर्शिया। ओके, he established the Indian numeral system and the use of zero in mathematics. It's very very important जो इसने इनकी जो अचीवमेंट है, देखिए उन्होंने जो भी हम जो हमारा न्यूमेरल सिस्टम यानी कि 0, 1, 2, 3 इंडियन, इट इज़ कॉल्ड इंडियन न्यूमेरल सिस्टम, ठीक है। इन्होंने ये इनकी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा यूज़ ऑफ ज़ीरो, इससे पहले ज़ीरो का यूज़ नहीं था। आप सोचें कि कितना अरसा पहले, यानी कि कौन से ईयर है ये, 840, और अब क्या चल रहा है, अब आपका 2020। तो इतना पहले इन्होंने ये सब जो था ये इस्टेब्लिश कर दिया था, जो कि आज तक मैथमेटिक्स में शामिल है, ठीक है। सो इट्स वेरी ग्रेट अचीवमेंट। हिज फेम रेस्ट ऑन हिज वर्क अल मुकाला फी हिसाबुल जबर वल मुकाबला फ्रॉम विच द वर्ड अलजबरा इज डिराइव, ठीक है। अलजबर, ठीक है ना, वहाँ से जो अलजबरा, अब जो मैथ्स में अलजबरा इस्तेमाल होता है वो यहाँ से वर्ड डिराइव्ड हुआ है। एंड ऑन हिज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विच आर नेम्ड आफ्टर हिम एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स भी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, आप लोग लॉगरिथम वगैरह जो करते हैं उसमें भी इनके नाम ही क्यों, इन्होंने जो भी मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस की थी उनके नाम पर जो है ये नाम रखा गया है। अल-ख्वारिज़्मी ऑल्सो वर्कड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड जियोग्राफी एंड मेड सन डायल्स एंड एस्ट्रोलेब्स। ही डाइड इन 840। ओके, एक और अहम काम उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर, यानी कि स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज एंड स्टार्स विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, और इसके अलावा जियोग्राफी द स्टडी ऑफ अर्थ, और इसके अलावा इन्होंने सन डायल्स भी बनाए थे जो कि टाइम के लिए क्लॉक्स जो कि सन से चलते थे, और इसके अलावा एस्ट्रोलेब्स भी बनाई थी, सिस्टम ऑफ नेविगेशन, ठीक है। यानी इतने इंपॉर्टेंट काम जो थे वो अल-ख्वारिज़्मी ने किए थे। ही डाइड इन 840। के नौ उम्रुल खयाम फ्रॉम 1048 to 1125। उम्र खयाम एज ही इज पॉपुलरली नोन वॉज ऑफ पर्शियन ओरिजन। His name खयाम actually means tent maker। Okay, हम जैसे कहते हैं ना उर्दू में, खैमा से ही खयाम निकला है, ठीक है, और वो टेंट मेकर उस खेमों को ही कहा जाता है, इसलिए इनका नाम खयाम है, उसके मतलब ये है इनके नाम का। He became famous later for his रुबायात और quatrains, four line stanzas। A very well known rubai is quoted below। Okay, अच्छा बेटा अब देखिए ये रुबायात क्या होती हैं। रुबाया उर्दू में भी ये रुबाई कहलाती है, और इसके अलावा ऐसा कता या ऐसी पोइट्री जो कि फोर लाइंस पर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, फोर लाइंस के ऊपर जो कंसिस्ट कर रहे होते हैं, उर्दू में इसको कता भी कहते हैं और रुबाई भी कहते हैं। और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था उम्र खयाम ने, और फिर उम्र खयाम के जो स्टैंजास थे, फोर लाइन स्टैंजास थे, इनको बहुत ज़्यादा इनकी ट्रांसलेशन भी हुई थी। तो यहाँ पर उनकी एक रुबाई जो कि पर्शियन में एक्चुअली होती थी उसकी ट्रांसलेशन है। द मूविंग फिंगर राइट्स एंड हैविंग रिट मूव्स ऑन नॉर ऑल दाई पाइटी नॉर बिट शेल लूर इट बैक टू कैंसिल हाफ अ लाइन नॉर ऑल दाई टीयर्स वॉश आउट अ वर्ड ऑफ इट। अच्छा इसके मीनिंग क्या है, एक्चुअली ये जो है ये अल्लाह ताला के बारे में है कि द मूविंग फिंगर्स राइट्स, कौन लिखता है किस्मत इंसान की किस्मत जो है और उसके बारे में इख्तियार जो है वो सिर्फ
अल्लाह ही की ज़ात रखती है और वो सब कुछ जो वो चाहता है वो वैसा ही लिखता है। किस्मत जो है वो अल्लाह ही ने बनाई है और वो इसको वापस भी कर सकता है, उसको कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। ये अल्लाह ही के इख्तियार में है, किस्मत को बदलना या किस्मत बनाना अल्लाह ही के इख्तियार में है। और किसी के भी कोई जितनी भी कोशिश कर ले, जो रोए पीटे या उसके आंसू जो होते हैं वो इसकी किस्मत को तब्दील नहीं कर सकते अगर अल्लाह ना चाहे। अल्लाह चाहे तो ऐसा होता है, ठीक है। ये उनकी एक अपनी उनके ख्याल विजन है जो कि उन्होंने अपनी इस रुबाई में शामिल किया है। ओके, नेक्स्ट, खयाम्स इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी हाउएवर इज़ लेस नोन, ठीक है। उस पर भी उन्होंने काम किया था, मैथमेटिक्स पर भी और एस्ट्रोनॉमी पर भी, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता जितना इनकी रुबायात जो हैं वो फेमस हैं। ही रिफॉर्म द पर्शियन सोलर कैलेंडर एंड नेम्ड इट एज द जलाली कैलेंडर आफ्टर द रूलर ऑफ दैट टाइम। ओके, इन्होंने देखे उस वक्त वहाँ पर जो कैलेंडर, जैसे हमारे ल्यूनर कैलेंडर होते हैं जो चांद के हिसाब से जो हमारा कैलेंडर चल रहा होता है, तो वहाँ पर जो उस वक्त पर्शिया में जो चलता था वो सोलर कैलेंडर होता था जो सन पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने उस कैलेंडर पर काम किया और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करके अपने, और उसका नाम उन्होंने जलाली कैलेंडर रख दिया था सोलर कैलेंडर का, जो कि किसकी वजह से रखा था, जो उस वक्त का वहाँ का रूलर था उसका नाम जलाली था, तो उसके नाम के ऊपर उन्होंने ये रख दिया था। दिस कैलेंडर इज़ बिलीव टू बी मोर एक्यूरेट इन इट्स एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन देन द ग्रेगोरियन कैलेंडर विद द डिफरेंस ऑफ ओनली वन डे इन 3770 ईयर्स। ओके, इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशंस थी इनकी कैलेंडर की कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर ऑलरेडी चल रहा था और जो अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ, जो हमारा जिसमें कि वन ईयर इज 365 डेज, तो ये इतनी कैलकुलेशंस एक्यूरेट थी कि सिर्फ एक दिन का डिफरेंस आता है कितने साल में, 3770 ईयर्स में। इतनी ज़्यादा एक्यूरेट उसके अकॉर्डिंग थी जो बिल्कुल ग्रिगोरियन कैलेंडर ऑलरेडी चल रहा था। लर्निंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ दीज रिमार्केबल मैन, जितने भी हमने पढ़े हैं उन सब के बारे में, इन वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज वी सी दैट दे लिव्ड इन अ पीरियड ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री व्हेन द मुस्लिम नेशंस वर स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट्स एंड रूलर्स टू सपोर्ट एंड फाइनेंस साइंटिस्ट्स, फिलोसफर्स एंड मैन ऑफ नॉलेज, रिजल्टिंग इन अ डिवेलप्ड सिविलाइजेशन। ओके, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू के जो वो पीरियड था जो कि फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी, इट वॉज गोल्डन पीरियड फॉर मुस्लिम वर्ल्ड। ओके, और जो वहाँ के हुक्मरान थे, जो रूलर्स थे, जो भी गवर्नमेंट्स थीं, वो बहुत रिच थीं, बहुत सक्सेसफुल थीं, और इसी वजह से ये जो हमारे उस वक्त के जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे, हमारे फिलोसफर्स थे और हमारे जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन सबको इतना मौका मिला, उन गवर्नमेंट्स ने फुल सपोर्ट किया उनको, जिसकी वजह से एक सिविलाइज्ड डेवलपमेंट हमें नज़र आती है उस एज में, उस इरा में। ओके स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 59 हियर इज़ एन इंफॉर्मेशन अबाउट द रुबायात ऑफ उम्र खयाम। रुबायात इज़ प्लूरल फॉर रुबाई विच इज़ अ 4-line पोएम। उम्र खयाम्स anthology of the rubaiyat was translated into english by edward fitzgerald in the 19th century। it became a very popular book in europe। okay, acha, ab jitni bhi umre khayam ki rubaiyat se itne mutasir hue the europe ke bhi jo poets the, to usme se jo edward fitzgerald the unhone isko english mein तमाम जो पर्शियन में इनकी रुबायात थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और उनकी जो एंथोलॉजी का मतलब होता है पब्लिश्ड बुक्स ऑफ पोएम्स, ठीक है, एंथोलॉजी, वो सब जो है वो बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं यूरोप में। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 12, मुस्लिम साइंटिस्ट फिलोसोफर एंड ट्रेवलर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ
थ्री पार्ट्स, ठीक है। मैंने इनको तीन शॉर्ट क्वेश्चंस में कर लिया, ये एक ही क्वेश्चन था लेकिन मैंने इनको थ्री शॉर्ट क्वेश्चंस में कर लिया, जिसमें उन्होंने मैकेनिक्स का भी पूछा था और मेट्रोलॉजी के बारे में, फिलॉसफी के बारे में पूछा था, तो मैंने इनको थ्री शॉर्ट क्वेश्चंस कर दिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैकेनिक्स। आंसर इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ मशीन्स दैट डील्स विद मूवमेंट, फोर्स एंड मोशन, हाउ दे वर्क एक्सेट्रा। ठीक है, ये मैकेनिक्स में आपको पता चलता है कि किस तरह से मशीन्स मूव करती हैं और वर्क करती हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द वेदर। ठीक है, मेट्रोलॉजी के ज़रिए से ही जो है आपके, आप देखते हैं आजकल फोरकास्ट की जाती है, तो वो बताते हैं कि वेदर और क्लाइमेट क्या है, आने वाले दिनों में बारिश होगी कि नहीं होगी, रेन फोरकास्ट वगैरह, या अर्थक्वेक का, या आंधी का, या जो भी चीज़ें होती हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में ये फोरकास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट इज फिलॉसफी। फिलॉसफी, फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, इट इज द स्टडी ऑफ द ट्रूथ और विजडम थ्रू आर्गुमेंट। ठीक है, फिलॉसफी क्या होता है कि आप सारे ट्रूथनेस को देखें, आप रियलिटी को देखें और उसके बाद उसके ऊपर बहस करते हुए, या उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा थॉट से अपने और गौर व फिक्र करके जो चीज़ आप पेश करते हैं वो फिलॉसफी कहलाती है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ओके, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा, इन द बिलीफ दीज कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स कैरेक्टर एंड फ्यूचर। ओके, ये बेटा एक्चुअली सितारों का इल्म आप जिसको कह सकते हैं, जो किस्मत का हाल बताते हैं और जो बताते हैं कि आपकी लाइफ इस तरह से हो जाएगी, इट थोड़ा बहुत इसमें मैजिक को भी ये इंक्लूड करते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर बिलीव करें, बट ये जो इल्म है या जो हेवनली बॉडीज़ का इल्म जो कहलाता है या स्टार्स का इल्म कहलाता है वो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एंड व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स बाय मीन्स ऑफ टेलीस्कोप्स एंड मैनी अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जो हेवनली बॉडीज, सन, सोलर सिस्टम, मून एंड स्टार्स, उनकी जो स्टडी है बाय मीन्स ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से, टेलीस्कोप्स के ज़रिए से जो भी उनकी स्टडी की जाती है और उसके बारे में जो बताया जाता है, जो उसकी नॉलेज है, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए और हमने जो हमारी रिमेनिंग वो थी, रीडिंग थी, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं और हमारी जो वर्कशीट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।